मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जमीनी नब्ज टटोलने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है और ये नेता कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं और जमीनी हालात को जानकर खामियों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं ताकि चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके। भाजपा राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए 128 मंडलों में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। यह सिलसिला 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। इन सम्मेलनों में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद राकेश सिंह सहित सांसद, विधायक और राज्य सरकार के मंत्री से लेकर अन्य नेताओं को सौंपी गई है और इन नेताओं ने बैठकों में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इन सम्मेलनों के मंडल में निवासरत पार्टी के जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी, बूथ कमेटी सदस्य, पेज प्रमुख शामिल हो रहे हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं का बूथ के अनुसार पंजीयन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का प्रवेश पत्र भी बनाया जाएगा और इन सभी को बूथ के मुताबिक बैठकर चर्चा होगी। एक मंडल में 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। सूत्रों की माने तो भाजपा 28 में से 25 विधानसभा क्षेत्रों में उन लोगों को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं। इसके चलते पार्टी में कई स्थानों पर विरोध के स्वर भी उभर रहे हैं। वरिष्ठ नेता इन सम्मेलनों के जरिए जमीनी हालात को तो जानेंगे ही, साथ ही में कार्यकर्ताओं के असंतोष को भी कम करने की कोशिश करेंगे। इन मंडल सम्मेलनों से पार्टी के पास प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी भी आ जाएगी कि कहां उम्मीदवार कमजोर पड़ रहा है और किस तरह की रणनीति पर काम करना चाहिए। इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र व्यास का कहना है कि भाजपा भी इस बात को जान रही है कि दल बदल करने वालों को उम्मीदवार बनाने से कई क्षेत्रों में असंतोष है। राज्य में सरकार बनने के बाद से पार्टी ने कार्यकर्ताओं के विरोध को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब चुनाव नजदीक है, इन स्थिति में यह सम्मेलन जमीनी हालात जानने का माध्यम बन सकता है। अगर किसी के इलाके का कार्यकर्ता विद्रोह का मन बना भी रहा हो तो उसे शांत कर दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता के बीच पहुंचे। उसी रणनीति के अनुसार भाजपा यह सम्मेलन आयोजित कर रही है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।